कठिन रहा और चुनाव लड़ने से पहले हम माननीय ब्रजेश पाठक जी से अपने उप मुख्यमंत्री जी से मिले गए रही और कौरा का पत्र रहा, आगे का पत्र रहा। मैंने इनका पैर छुआ, आशीर्वाद लिया तो इन्होंने मुझे यही कह के भेजा कि जाओ आजमगढ़। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी हमारे देश को पूरी दुनिया में नंबर वन बनाने का संकल्प लिए हैं, जिस तरह से हमारे पूज्यनीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश को पूरे भारत में नंबर वन बनाने का प्रण लिए हैं और लगातार बनाने का काम कर रहे हैं, वैसे ही निरहुआ तुमको आजमगढ़ को नंबर वन बनाना है, इसलिए तुमको आजमगढ़ जाना है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मंत्र के साथ साथ आशीर्वाद भी दिया और आज मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, आजमगढ़ की गरीब जनता के लिए, असहाय जनता के लिए 4 करोड़ रुपए से ज्यादा इलाज के लिए पैसे आ चुके हैं आजमगढ़ में। इसके लिए भी आपको आभार व्यक्त करते हैं, पूज्यनीय मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करते हैं, प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करते हैं। यह कैसे हो पाया? यह तब हो पाया जब आपने हिम्मत नहीं छोड़ा। विषम परिस्थिति थी यहां आजमगढ़ में, गुंडागर्दी चलती थी, बूथ कैप्चरिंग होती थी, हमारे लोगों को वोट डालने नहीं दिया जाता था और गुंडे माफिया अपना राज चला रहे थे आजमगढ़ में, तब भी आपने हौसला नहीं छोड़ा, आपने उम्मीद नहीं छोड़ी और आप लोगों ने मेहनत करके पूरी दुनिया को यह बता दिया कि आजमगढ़ में भी कमल खिलाने का दम है, यह हमारा आजमगढ़ है। तो आजमगढ़ के एक एक माताओं का, बहनों का जो इस चिलचिलाती धूप में बैठी हैं, हमारे पत्रकार बंधु जो लगातार आजमगढ़ की तरक्की के लिए चिंता करते हैं, ऐसे सभी हमारे राजीव भैया, तमाम पत्रकार भैया यहां बैठे हुए हैं, हमारे प्रशासन के लोग यहाँ चिड़चिड़ाती धूप में इस व्यवस्था में लगे हुए हैं, सबको धन्यवाद देता हूँ। हमारे हरिहरपुर घराने के सभी कलाकार इस चिड़चिड़ाती धूप में खड़े हैं और आपका अभिनंदन करने के लिए आए हैं और आपको इसलिए भी धन्यवाद देना चाहते हैं